नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। भांडेर तहसील के ग्राम सलेत्रा पर आज लाखों करोड़ों की संख्या में टिड्डी दल का आक्रमण हुआ किसानों की फसलों पर। वहीं सलेत्रा निवासी सुदीप यादव ने बताया कि ग्राम सलेत्रा में चारों तरफ से फसलों को टिड्डी दल द्वारा नष्ट किया जा रहा है। वहीं सुबह से हम किसान भाई बर्तन, सूप, कसेड़ियां और ध्वनि यंत्रों से टिड्डी दल को भगाने में लगे हैं। ग्राम सलेत्रा के आसपास के मोजे, विछुंदा, जादमपुर, मुस्तरा, सेतोल, कुम्हरिया आदि कई मोजों में अभी भी टिड्डी दल का फसलों पर हमला जारी है। सुबह से ही सैकड़ों लोग टिड्डियों को भगाने में लगे हैं। हमारी फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इस समय हम किसान भाई कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं। ऊपर से टिड्डियों के आतंक फसलों के नुकसान ने हम किसानों की कमर ही तोड़ दी है। कोई भी प्रशासन का जिम्मेदार अधिकारी मोजे में देखने भी नहीं आया। हमारी ग्राम सलेत्रा सहित आसपास के जितना भी क्षेत्र है हर जगह टिड्डी की बहुत ज्यादा मार रही है, जहाँ पे हमारी सारी फसलों का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। और इस महामारी के वजह से आज हमारे जितने भी किसान भाई हैं, मजदूर भाई हैं, सभी अपने घर में सेफ हैं, कहीं भी निकल भी नहीं सकते कामकाज के लिए। तो भाई कैसे खर्चे चलाएं? यहाँ पे शासन प्रशासन भी कोई मदद देने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे दूसरी तरफ हमारी पूरी फसल का पूरी नुकसान होता जा रहा है। अब ऐसे में हम क्या करें? सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। हर जगह टिड्डी का, हमारे आसपास जितना भी फसल है बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। कुछ कह नहीं सकते, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, हद से ज़्यादा हो गया है। अब हाँ, शासन प्रशासन हाथ जोड़ के विनती है, इस पर कोई ठोस कदम उठाएं और हम किसान भाइयों को और मजदूर भाइयों को कोई लाभ दें।